हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं हिंदी उपयोजित लेखन। तो लास्ट में जो आपके डाइजेस्ट में है उपयोजित लेखन रचना विभाग, उसमें पत्र लेखन और कई सारे उपयोजित लेखन है, राइटिंग स्किल है। सो ये बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि डाइजेस्ट की लास्ट के जितने भी है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए दिया गया है, मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब ये क्या है? अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र जैसे कि हम अपने फैमिली, रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स को भेजते हैं, वो होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ये हमें पता है कि ये हम, जैसे कि ये इसके एकदम अपोजिट, जैसे हम किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, टीचर को लिख रहे हैं, टीचर मीन्स प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, और किसी शिकायत संबंधी पत्र है, आवेदन पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, तो ये सब होता है औपचारिक पत्र, ठीक है, यानी फॉर्मल लेटर। सो अभी ईमेल पत्र भी आ गया है, ठीक है, ईमेल पत्र भी अभी यूज़ में आने लगा है। सो ईमेल पत्र में क्या होता है कि जो पत्र हम में अपना एड्रेस वगैरह भेजते हैं, उसमें अपना एड्रेस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो आपको अगर लेटर में नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, वो चीज़ें तो आपको लिखनी है। नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। तो पहले तो यहाँ पर आपको डेट लिखना है, और यहाँ पर प्रिय मित्र विजय, सप्रेम नमस्कार, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो दिया गया है, वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। यहाँ पे क्लियर है। तुम्हारे जन्मदिन की दावत, दावत यानी कि इनविटेशन, ठीक है, दावत यानी जिसे हम बुलाते हैं ना, तो वो दावत का निमंत्रण मिला, यानी खाने का, जो तुम्हारे यहाँ पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा है उसका निमंत्रण, इनविटेशन मिला। यह जानकर खुशी हुई कि 24 जनवरी को तुम जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हो। तुम्हारे 12वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में शामिल होने वाला था, इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, परंतु एकाएक मेरी तबीयत बिगड़ गई है। फ्लू के कारण तेज बुखार है, शरीर में काफ़ी कमजोरी है, इस कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत पर नहीं आ पाऊँगा। इसका मुझे बहुत खेद है, यानी दुख है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र या लंबी आयु और सुखी जीवन दे। मैं किशोर कथाओं का एक सेट भेज रहा हूँ, आशा तुम्हें पसंद आएगा। अब इसकी जगह तुम और कोई गिफ्ट भेज सकते हो, बोल सकते हो, और जो यहाँ पे बीमारी का रीज़न बताया गया ये आप कुछ और बता सकते हो, ठीक है। अगर लेटर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि आप बीमारी का ही बताओ, तो आपको बीमारी का नहीं बताओगे तो भी चलेगा, आप कोई और बता सकते हो यहाँ पर, कोई और एक्सक्यूजेस दे सकते हो। तुम्हारा मित्र कौशल गांधी, और एड्रेस यहाँ पे है, ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है, और सब कुछ इसी साइड आएगा, सब कुछ इसी साइड आएगा। आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है, बॉक्स में एकदम इस साइड से आपको एकदम लाइन में, बॉक्स में एकदम इस तरीके से चिपका के लिखना है। ऐसे लाइन देने की ज़रूरत, मतलब कि ऐसे जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि बॉक्स में भी इतना जगह छोड़ो, बॉक्स में हमें जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान से देख लो, इसके आगे के जितने भी हैं मैं सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र, ये वाला मैंने आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट लेटर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। कोई डाउट है कॉमसेंट बताइए, और कोई और वीडियो चाहिए इसी तरह से बताते जाइए। और आपके हर एक सब्जेक्ट के ओपन बुक, क्लोज बुक, हर एक सब्जेक्ट के उसके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। और लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैंने बता दिया, हिंदी, इंग्लिश और मराठी का, जो सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ओपन बुक, क्लोज बुक भी मैंने बता दिया है।